दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मधुमक्खी शहद बनाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मधुमक्खी शहद बनाती क्यों है, आखिर क्यों जरूरत पड़ती है मधुमक्खी को शहद बनाने की? तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों बात ये है कि हर जीव अपने आप को हर परिस्थिति में बचाने की कोशिश करता है, और ये तो हमें पता ही है कि एक मधुमक्खी अपना पेट भरने के लिए फूलों का रस चूसती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सारे फूल झड़ जाते हैं और ऐसे में उनके पास खाने के लिए काफी कमी हो जाती है और उसी कमी को वो शहद बना के पूरा करती है। और यहाँ पर दूसरी चीज ये आती है, इंसान शहद निकालने के लिए मधुमक्खी के पूरे छत्ते को तोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि हम इंसान कभी भी उनके छत्ते से पूरा शहद नहीं निकाल सकते, क्योंकि मधुमक्खियाँ उनकी जरूरत से 3 गुना ज्यादा शहद बनाती हैं। ऐसे में जब इंसान मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते हैं तो उसके बाद भी उसमें थोड़ा शहद बच जाता है जिसे वो देख नहीं पाते और मधुमक्खियाँ उनसे अपना पेट भरती हैं। अब मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है ये जानने के लिए कॉमेंट में दी गई वीडियो जरूर देखना।